देखिए दोस्तों, एनर्जीज कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं जिसमें आप अच्छा और बुरा महसूस करते हैं। आप कई बारी बहुत डिप्रेस महसूस करते हैं, कई बारी बहुत ही अच्छा और बहुत खुश महसूस करते हैं। कोई कोई जगह, कोई कोई घर, कोई कोई ऑफिस ऐसा होता है जहां जाकर के आप बहुत ही चार्ज्ड अप फील करते हैं और बहुत ही खुश महसूस करते हैं। ऐसा नहीं होता कि कुछ आपको वहाँ से मिल गया या किसी सामने वाले इंसान ने बहुत कुछ आपको दे दिया। वैसे ही खुशी आपके अंदर भर जाती है, वैसे ही एनर्जी यानी कि फुल ऑफ हेल्थ आप हो जाते हैं। कोई ना कोई आपको दिमाग में कोई बात नहीं रहती, कोई टेंशन नहीं रहती। ऐसी जगह पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं। और कई जगह आप जाते हैं दोस्तों, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। कई लोगों से मिलते हैं, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। आप खुश जाते हैं, जाते ही आपको लगेगा चिड़चिड़ापन, कुछ लगेगा कि कुछ फीलिंग्स ऐसी हो रही हैं, कब यहाँ से निकलें और कब आप अपने घर जाएं या ऐसी जगह जाएं जहाँ आपको शांति मिले। या आपका घर कुछ ऐसी एनर्जीज लिए हुए होता है कि आपको हमेशा ही वहाँ पर चिड़चिड़ापन लगता है, डिप्रेशन लगता है, एंग्जाइटी लगती है और बहुत ही लो फीलिंग्स लगती हैं। तो दोस्तों, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ नहीं होती हैं या कम होती हैं, या नेगेटिव एनर्जीज़ ज़्यादा क्रिएट होती हैं। तो अब प्रवीण जी बात करते हैं कि नेगेटिव एनर्जीज़ और पॉजिटिव एनर्जी आती कहाँ से हैं। दोस्तों, एक तो हमारा वास्तु इन सब चीज़ों को जनरेट करता है। कुछ सटल एनर्जीज होती हैं जिनको हम ग्रेविटेशनल एनर्जीज बोल सकते हैं, मैग्नेटिक एनर्जीज बोल सकते हैं, सोलर एनर्जी बोल सकते हैं। इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वह पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है। सही तरीके से इनको अगर हम यूज़ करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है, और अगर हम इनको गलत तरीके से यूज़ करते हैं तो नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट हो जाते हैं। सपोज हमारे वास्तु के अंदर कई जगह पर एनर्जी जनरेशन के सोर्सेज होते हैं, जैसे कि नॉर्थ से भी हमें एनर्जी मिलती है, नॉर्थ ईस्ट से भी मिलती है, ईस्ट से भी मिलती है। तो वहां पर उन डायरेक्शंस को हम हार्म पहुंचाते हैं, तो वह पॉजिटिव को नेगेटिव में क्रिएट कर देती है। तो इसी तरीके से हम नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज को रिसीव करते हैं, और बैलेंस जब नहीं रह जाता है तब हम परेशान होते हैं।